हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि बीपीएल कार्ड के लिए आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है और कैसे आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं बोलते हैं घर बैठकर। तो दोस्तों, वीडियो का पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे आपको राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, जिससे आपका जो है राशन कार्ड बन सके। तो दोस्तों, बनिए रहिएगा हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आपको सरकार से आने वाली प्रत्येक योजना या कोई भी वैकेंसी आती है जिसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको गूगल बार पर जाना है, चाहे तो आप अपने मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर पर, और आपको इसमें टाइप करना है RCMS। दोस्तों, जैसे ही आप RCMS टाइप करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ जाएगी RCMS.MP.Government.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन, आपको इस आवेदन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप आवेदन वाले क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा BPL आवेदन, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप BPL वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको परिवार की समग्र आईडी डाल लेनी है और आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है वो आपको चॉइस कर लेना है और समग्र जानकारी प्राप्त पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको वह समग्र आईडी चॉइस करना है जिसके द्वारा आप आधार KYC करेंगे, यानी कि मुखिया की। इस पर आपको आधार कार्ड आपकी समग्र आईडी में लिंक होना अति आवश्यक है। अगर आपकी आईडी समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो कमेंट करके जो बताइएगा, या हमारे नीचे दे रखी वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आप अपने समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको आधार KYC आपको OTP और बायोमेट्रिक दोनों प्रकार से कर लेनी है। आधार KYC होने के बाद आपको इस प्रकार का नीचे फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मुखिया का नाम, न्यायालय में आपका जो है तहसील आ जाएगा, सब डिवीजन चॉइस कर लेना है, ठीक है। विकासखंड, यह इम्पोर्टेंट नहीं है विकासखंड, क्योंकि इम्पोर्टेंट वह रहेगा जो आपके ऑप्शन पर स्टार रहेगा, जिस भी ऑप्शन पर स्टार रहेगा वह ऑप्शन आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको तहसील चॉइस कर लेना है और आपको निरीक्षित क्षेत्र यानी कि आपका जो हल्का है वो कौन सा लगता है, पटवारी हल्का नंबर चुन लेना, यानी कि आपको पूरा एड्रेस चॉइस कर लेना है। इसके बाद आपको पिता का नाम, आधार नंबर, मकान नंबर, आवेदन दिनांक, जिस भी आवेदन करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मोबाइल नंबर। इसके बाद शिक्षा का स्तर, यहाँ पर आपको अपने सदस्य चॉइस करना है, यानी बन बाय बन करके आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है, नाम, आयु, लिंग और मुखिया से संबंधित माता पिता जो भी हैं आपके, इस प्रकार से आपको चॉइस करते जाने। अगर शिक्षित हैं तो इसमें शिक्षक, यानी अशिक्षित हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार करके आपको बन बाय बन करके जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं वो आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मासिक आय की जानकारी देना है कि आपकी बात मासिक आय कितनी है, यानी एक मंथ में आप कितना कमा लेते हैं, 250 से कम, 250 से 499 या 500 से 1499, इस प्रकार से आपको जो भी है वो आपको चॉइस कर लेना है। अगर आपके पास भूमि है तो वह चेक कर सकते हैं, स्वामी की है, किराएदार की है, स्वामी किराएदार दोनों, यानी जिस जगह पर आप रहते हैं। इंदिरा आवास है अगर आपके पास नहीं है, वह है तो वहाँ का, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। पेयजल की सुविधा, यानी कितने दूरी पर है, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर है या इससे ज़्यादा है या उससे और ज़्यादा, ठीक, ये आपको चेक कर लेना है। इस प्रकार से आपको नीचे आके बन बाय बन करके सभी ऑप्शनों को चॉइस करते जाना है, और वैसे सभी ऑप्शन चॉइस ही रहेंगे, केवल आपको इसमें कंफर्म करना है व्यक्ति के पहनने के कपड़े, अगर आपके पास लागू नहीं है तो वो लागू ना करें, ठीक है, नहीं तो टिक ना करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो सभी जानकारी आपको फिलअप कर लेना है,
अगर आपके पास कोई आइटम है यानी कंप्यूटर टेलीफोन है अगर है तो टेक कर लें, नहीं तो छोड़ दें। परिवार के सामाजिक शिक्षक पढ़े लिखे व्यक्ति का शिक्षक अशिक्षित हैं या प्राथमिक या तकनीक पास हैं, यानी जो भी आपके परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े हैं, ठीक है। परिवार का श्रम स्तर यानी मजदूर हैं, महिला बाल श्रमिक हैं, केवल वैश्विक महिला श्रमिक है या वैश्विक पुरुष श्रमिक हैं, वह आपको जानकारी देना है। जीविकोपार्जन के लिए आप मजदूरी के द्वारा करते हैं या खेती के लिए, तो इस प्रकार से आपको जो है सभी जानकारी बड़ी सावधानी पूर्वक फिलअप करना है, ठीक है। ये सभी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको अपना फोटो अपलोड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर घोषणा वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना और सिंपली सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको इसका प्रिंट आउट मिल जाएगा और प्रिंट आउट को अपने पास रख लेना है। इसके बाद आपका जो है आवेदन आपके तहसील कार्यालय पहुँच जाएगा, वहाँ पर रीडर के द्वारा पर निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद यह आवेदन आपका पटवारी के द्वारा पास पहुँच जाएगा और वहाँ पर रिपोर्ट लगने के बाद आपका जो है BPL कार्ड की सर्विस सूची में जोड़ दिया जाएगा और आपका BPL कार्ड जो है बन जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका BPL कार्ड नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा ताकि हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में बता सकें कि अगर आपकी स्थिति में आवेदन करने के बाद भी आपका जो है कार्ड नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए आपको कहां पर शिकायत करनी पड़ेगी, कहां पर आपको कंप्लेन करना पड़ेगी जिससे आपका जो है कार्ड बन सके। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जो बताइएगा और अन्य कोई जानकारी या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम में जो पूछ सकते हैं, चाहे तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिसकी लिंक नीचे दे रखी है और नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।